जहां भाजपा जीत का जश्न मना रही है, वहीं विपक्ष अब तक ये तय नहीं कर पाया कि वो हार पर मंथन करे कैसे, क्योंकि नतीजे आए 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने हार पर एक शब्द भी नहीं कहा। मायावती ने मीडिया से दूरी बनाकर साफ कह दिया है कि उनके प्रवक्ता अब टीवी डिबेट में शामिल नहीं होंगे। तो वहीं जयंत चौधरी ने अपने फ्रंटल संगठन को भंग कर दिया है, लेकिन सवाल बड़ा ये है कि क्या ये हार के बाद की खलबली है, क्योंकि आगे की रणनीति क्या होगी ये विपक्ष तय नहीं कर पा रहा है। विपक्ष में खलबली, कैसे बनेंगे बाहुबली, हार पर मंथन जरूरी या जनता से दूरी। भाजपा की प्रचंड जीत के बाद समूचा विपक्ष बैकफुट पर है, उसे समझ नहीं आ रहा है हार पर मंथन करें या भविष्य पर चिंतन करें, क्योंकि जयंत चौधरी हार के बाद ओवर हीलिंग में जुट गए हैं। उन्होंने तत्काल प्रभाव से सभी प्रकोष्ठों और इकाइयों को भंग कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने अपनी हार पर मीडिया के सामने आकर एक शब्द नहीं कहा है। वहीं इन सब के बीच ईवीएम का जिन्न फिर से बाहर आ गया है और इस बार मोर्चा स्वामी प्रसाद मौर्य ने संभाला है, जिसके पीछे स्वामी ने पोस्टल बनाम ईवीएम का तर्क दिया और कहा कि 304 सीटों के पोस्टल पर समाजवादी पार्टी आगे थी। जनमत जनता के सीधे वोट से देखा जाता है, जो बैलेट पेपर वोटिंग हुई है उसमें समाजवादी पार्टी 304 सीटों पर आगे है। ईवीएम में भाजपा कैसे जीत गई ये अपने आप में एक विचारणीय विषय है। इस पर मीडिया के भाई भी चिंतन करें, हम लोग भी चिंतन करते हैं, राजनीतिक पार्टियां भी चिंतन करेंगी कि बैलेट पेपर में 304 पर सपा आगे, मात्र 99 पर भाजपा, ईवीएम मशीन में भाजपा आगे और जो सपा आगे थी वो हो गई पीछे। अब कहीं ना कहीं कुछ खेल हुआ है, वो खेल क्या है इसी विषय में आपको भी पता करना, हमें भी पता करना खेल के बाद। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ऐसे तर्क देकर हार खत्म हो जाएगी या फिर हार पर मंथन करने से बात बनेगी, क्योंकि नतीजे 10 मार्च को आ चुके हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने 21 मार्च को अपने नव निर्वाचित विधायकों की बैठक बुलाई है। ठीक इसी दिन जयंत ने भी अपने विधायकों की बैठक बुलाई है। वह इन सब के बीच एक सवाल बसपा का भी है, जो हार का मंथन करने की जगह मीडिया से दूरी बना रही है। मायावती ने टीवी डिबेट में अपने प्रवक्ताओं को भेजने पर रोक लगा दी है, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या ये सब करने से विपक्ष मजबूत हो जाएगा या फिर क्या कमी रह गई उस पर गौर करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।